में तो बीजेपी का डंका बज चुका है। कर्नाटक में जाके देखिए, कर्नाटक में तो साफ हो गई है बीजेपी। इसी तरह से 2024 में पूरी इंडिया तो साफ होगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का काम नहीं कहेंगे जिंदाबाद हम कहेंगे हम कहेंगे सिर्फ हर हर बेटी घर घर बेटी हुई है और सात सीताओं के साथ मुझ जैसे हनुमान करोड़ों हनुमान भाई हैं इनके साथ। आप बताइए 2024 में क्या होगा आपकी लंका का? देखिए वो अंग्रेज थे, ये संग्रेज हैं। जब वो नहीं तोड़ सके हमें तो ये क्या तोड़ देंगे हमें। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल इतना कांप रहा है कि 700 घर हमारी सीमा में तैयार कर लिए हैं और मीडिया जो है दिखा नहीं रहा है। उनकी नजर में पैसा और सत्ता ही सब कुछ है। और रही बात 15 रुपए मेडल की, ये सात बेटियां बैठी हुई हैं, इन सातों में से एक ही बेटी से दो दो हाथ कर लें और चित करके दिखा दें, पता चल जाएगा 15 रुपए की मेडल का अहमियत। फिर भूषण शरण सिंह कह रहे हैं अगर मेरी जबान खुली कहीं ना कहीं उस सुनामी में बहुत सारे लपेटे मारे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। राष्ट्रगान का डंका बजाने वाली, डंका तो इन्होंने बजाया है, इंटरनेशनल में मोदी जी ने नहीं बजाया। फास्को एक्ट के तहत जो आप पत्रकार हैं 24 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार किया जाता है, और इन्होंने क्या कर रखा है, एसी में बैठे हुए हैं वो। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। आप सभी का जनित आवाज में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ है मेहताब हिंदुस्तानी जी, इनसे हम बात करेंगे। आप लगातार यहाँ धरने में आ रहे हैं जी? मैं 11 दिन से समर्थन में है और 1 महीने पूरे हो चुके हैं इनके धरने को, क्या कुछ कहेंगे? 1 महीना 1 दिन हो चुका है और आप रिपोर्टर हैं और एक इस देश की बेटी भी हैं। आप सपोज कीजिए कि जब एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो इतना बड़ा चेहरा है, जब उनको इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है, धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो आप एक महिला पत्रकार हो, एक हिंदुस्तान की एक आम लड़की हैं, तो आपके साथ क्या हाल होगा? मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं है? मोदी जी हैं तो जब ही तो सब कुछ मुमकिन है। आप मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया, जिन पे अभी एक आरोप तय भी नहीं है, और उनको जो यहाँ की मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस है, मैं तो उन्हीं की कहूँगा, अमित शाह गृहमंत्री जी की। देखिए मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं भला से विपक्षी हूँ, आपके देखिए मतभेद, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें। मैं अपनी बहनों की पार्टी से हूँ, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, मैं आपके चैनल पर वायरल होने नहीं आया। जब मैंने सुना और आप जैसे ही पत्रकारों के जरिए मुझे सोशल मीडिया पर पता चला तो मेरा ज़मीर जागा। मैंने अपने गिरेबान में झाँका कि मैंने अपनी बहन का चेहरा देखा कि मेरे घर में भी बहन है, आज इनके साथ हो रहा है कल मेरे साथ भी हो सकता है। राजनीति कर रही है? राजनीति तो आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े शर्म की बात है कि आज आपने सिर्फ एक राजनीति का जुमला बना के रख दिया आपने इसे। अच्छा, तो आपने लगता है रिपोर्ट नहीं देखा है, मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं और विदेशों में डंका बज रहा है, अभी फिलहाल वहाँ जापान से आए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या नाम है मैम आपका? शिखा। शिखा मैम, ये बताइए क्या अंजना ओम कश्यप से मिलकर आई हैं आप आज? मुझे तो ऐसा लग रहा है डंका सिर्फ बज रहा है टीवी पे बज रहा है। आप देख लीजिए कैसा डंका, मीडिया पे भरोसा नहीं। आप कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए डंका कैसे बज रहा है। किसान बैठा हुआ है सड़क पे, खिलाड़ी बैठे हुए हैं, मजदूर बैठे हुए हैं। जो आप मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, देखिए उनकी नजर में तो सिर्फ बदनाम, जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनके गलत काम को सपोर्ट नहीं करेगा वो खिलाफ है, चाहे वो किसान हो, महिला हो या नौजवान हो। अच्छा, अभी आपने सुना होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, इनको भी कराना होगा, तो क्या है जो अभी तक ये सारी चीजें हो नहीं पा रही हैं, क्यों रोका जा रहा है, जब दोनों पक्ष तैयार है तो क्यों नहीं हो रहा है? मैं अपनी बात बीच में छोड़ दी थी। मनीष सिसोदिया को कॉलर पकड़ के गिरफ्तार किया जाता है, जिन पे आरोप अभी सिद्ध भी नहीं है, और जो एक अपराधी है जिसने शोषण किया उसको आपने सुरक्षा दे रखी है, और एक ऐसा मुकदमा उन पे, ऐसा
मतलब फास्को एक्ट के तहत जो आप पत्रकार हैं 24 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार किया जाता है। और इन्होंने क्या कर रखा है, एसी में बैठे हुए हैं वो, और मेरे जो सम्मानित बेटियां हैं, जो देश का गौरव है, जो तिरंगे को बुलंद करने वाली और राष्ट्रगान का डंका बजाने वाली, डंका तो इन्होंने बजाया है इंटरनेशनल में, मोदी जी ने नहीं बजाया। फिर गलत जा रहे हैं। अभी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है विनेश फोगाट के बारे में कि ये मंत्रा है। क्या है? मंत्रा है। मैं बड़े शर्म से, मुझे शर्म आती है कि वो एक ऐसे घिनौने काम करते हैं और फिर ऐसे टिप्पणी और ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपने उनका एक बयान सुना होगा कि अगर मेरी जबान खुली तो भूचाल आ जाएगा या सुनामी आ जाएगी, और फिर कहते हैं अमित शाह जी और मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या इशारा कर रहे हैं। अब देखिए मैं उसके ऊपर सिर्फ दो लाइनें हैं, अगर आपकी इजाजत तो सुना दूं। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो ये खुद बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं अगर मेरी जबान खुली कहीं ना कहीं उस सुनामी में बहुत सारे लपेटे मार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी भाजपा सरकार से वो ऊपर हो गए, एक सांसद एमपी इतना डरी हुई है। कहा था मैं अपने वचन का पक्का हूँ, मैं प्राण जाए पर वचन न जाए। पिछले कुछ दिनों पहले जब परसों उनकी ट्वीट आई थी, जब उन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए बोला था हम राम को मानने वाले हैं, हम सच्चाई को मानने वाले हैं, प्राण जाएगा वचन नहीं जाएगा, इस तरह की चीजें वो कह रहे हैं। अगर आप राम को मानने वाले होते, सच्चाई मानने वाले होते, आपके दिल में खोट ना होती, आपके दिल में चोर ना होता, तो अब तक आपको आत्मसमर्पण कर चुके होते और यहाँ पर बेटियों से आप बात करने आते जब आपने ऐसी हरकत की है, घिनौना काम किया, आप जभी तो बच रहे हैं। लेकिन ये चीज तो गलत है, बात बृजभूषण की है और आप लोग मोदी जी पे ले आते हैं, ये तो गलत है। एक बात बताइए, उनकी पार्टी से हैं, उनकी पार्टी से नहीं है वो, हैं इसीलिए हिम्मत बढ़ी हुई है। क्यों बचाने में लग रही है भाजपा? अरे अलग कर दे उनको, इस्तीफे से इस्तीफा बर्खास्त कर दे। अरे 7 बार सांसद 6 बार सांसद रह चुके हैं, थोड़ा तो इज्जत कीजिए। और एक चीज आपको मैं बता दूं, रतन टाटा का नाम सुना होगा आपने। जब रतन टाटा पहलवानों को पैसा डोनेट करते थे तो वो पैसा भी, ये रिपोर्ट है मैं आपको ये बतला रहा हूँ, वो पैसा भी पहलवानों तक नहीं पहुँचता था। आप कह रहे पहलवानों तक नहीं पहुंचता, अभी तो उसने बोला है कि 15 रुपए का मेडल लौटाने से अच्छा है कि जो पैसा तुम्हें मिला है वो हमें दो पैसे। सब कुछ उनके लिए उनकी नजर में ये मानत है, पहलवानों की मानत है, पहलवान ने कमाया है वो, उसको उसकी मानत है क्या? उनकी नजर में पैसा और सत्ता ही सब कुछ है। और रही बात 15 रुपए मेडल की, ये 7 बेटियां बैठी हुई है, इन 7 में से एक ही बेटी से 2-2 हाथ कर लें और चित करके दिखा दें, पता चल जाएगा 15 रुपए की मेडल का अहमियत। इन बेटियों से और इन बेटियों के माता पिता से पूछिए कि 20 साल की तपस्या और 20 साल की मेहनत परिश्रम करके आज ये यहाँ तक पहुँची है और इंटरनेशनल में अपने भारत का नाम रोशन किया है। बड़े शर्म की बात है, आप पहले घिनौनी हरकतें करते हो फिर ऐसे बयान देते हो। अगर मेडल ही पैसों से खरीदे जाते ना, आप तो पत्रकार हैं अडानी अंबानी जैसों के मेडल, फिर आपने अडानी अंबानी को ले आया पैसे की बात, पैसे के ऊपर बात करो। वो ये देश के मोदी के एजेंट वो ही है, और किसको ले, आपको ले बताओ, किसको ले? पैसा तो वही मार, तो वही कमा रहे हैं मोदी के सारे। मेहनत भी तो कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं? हमारी कमाई नहीं है क्या? जो वर्कर है वो कमाता नहीं क्या? किसान कह रहे हैं जातिवाद कर रहे हैं, क्या जातिवाद ही कर रहे हैं? आज तक 9 साल से करी क्या रहे हैं? ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। कौन कह रहा है? जाट वर्सेज राजपूत। एक मिनट, ये बात कौन कह रहा है? बृजभूषण कह रहा है। वो भी अपने कभी बोलता है हमारे ठाकुर ये करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास भी पुरानी चीज है, तकड़ी चीज क्या उसके पास बता, जमीन है, घोड़े हैं। मैं जवाब देता हूँ बृजभूषण सिंह जी के। मैं मुस्लिम घराने से आता हूँ और मैं एक पठान हूँ, तो मैं क्या जातिवाद करना आया हूँ यहाँ पर? ये एक हरियाणा का ही मामला नहीं है, एक पूरे हिंदुस्तान का मामला है। ये हर एक उस हिंदुस्तान के घर का बेटी का मामला है जिसके घर में बेटी है, ये हर एक उस भाई के
भाई का मामला है जिसके घर में बहन है, ये हर एक उस हिंदुस्तान का मामला है जिसके घर में। अरे पाकिस्तान और चाइना थर थर कांप रहा है। बिल्कुल, इतना कांप रहा है कि 700 घर हमारी सीमा में तैयार कर लिए हैं और मीडिया, गोदी मीडिया जो है दिखा नहीं रहा है। शर्म आनी चाहिए। 56 इंच का सीना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर 56 इंच का सीना होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि बहनों को यहाँ पर फुटपाथ पर बैठना पड़ रहा है। एक बात तो है, आप तो कहिए कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। कौन बोलेगा? सब बोलिए। दुनिया बोलती है, मैंने तो वोट दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया था, वो हार गए बेचारे सोनीपत से। कहेंगे ना हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं तो नहीं कहूँगा। कहेंगे नहीं कहेंगे। जिंदाबाद थोड़ी ना है। हम मोदी को मानते हैं, अंधवाद कहेंगे। हम कहेंगे सिर्फ हर हर बेटी, घर घर बेटी। 2024 में अगर आप इनके नारे से सत्ता में आ सकते हो तो यही बेटियां, यही बेटियां आपको 2024 में घर बिठाने का काम करेंगी। सतयुग में एक हनुमान जी थे, एक बजरंगबली। सीता मैया का अपमान हुआ था, पूरी लंका को आग लगा दिया था। यहाँ तो 7 सीताएं बैठी हुई हैं और 7 सीताओं के साथ मुझ जैसे हनुमान, करोड़ों हनुमान भाई हैं इनके साथ। आप बताइए 2024 में क्या होगा आपकी लंका का? कितनी प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव में कहा था कि बजरंग दल पे बैन, मतलब बजरंग वाली पे बैन। तो बीजेपी का डंका बच चुका है कर्नाटक में, जाके देखिए कर्नाटक में तो साफ हो गई है बीजेपी। इसी तरह से 2024 में पूरी इंडिया तो साफ होगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का काम बहुत गलत हो रहा है। बड़े राजनीति में हनुमान को क्यों सीट दो? बड़े हनुमान ने ये बोला गया। बड़े शर्म की बात है कि बजरंग बली और बजरंग दल की तुलना, बड़े शर्म की बात है। अरे भैया, सत्ता के लिए राम और बजरंग बली को तो मत खेचो। नवा बजरंग बली चले, ना मोहम्मद अली चले, वहाँ चला सिर्फ बजरंग बली का गधा, जो इन पे, इन गधों पे बजना शुरू हो चुका है। और 2024 में एक तरफ से बजने जा रहा है, क्योंकि देश ने इनको एक मौका दिया था, मगर इनसे देश संभला नहीं। इन्होंने देश में क्या कर दिया? देश जहरीली हवा कर दी देश में इन्होंने, जहरीली हवा। जातिवाद की, हिंदू मुस्लिम की, मेरे देश की अखंडता है, संस्कृति है, देश चलता है एकता से, देश कट्टरता से नहीं चलता। एग्जाम्पल पाकिस्तान है देख लीजिए, लंका है देख लीजिए, नेपाल है देख लीजिए। तो ये तो कुछ हमारे, क्या कहूँ मैं, नहीं कहिए कहिए, ये तो कुछ हमारे देश के डर नीरा। ये देखिए, वो अंग्रेज थे, ये संग्रेज है। जब वो नहीं तोड़ सके हमें, तो ये क्या तोड़ देंगे हमें। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, इसी संस्कृति को, इसी अखंडता को हमें जिंदा रखना है। कि ये जो मेरा देश का तिरंगा है ना, इसमें सभी अच्छे लगते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई। और सुनिए, एक शेर और कहूंगा कि पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू सत्ता का गुरूर रखता है तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं, वोट की चोट देंगे। बिल्कुल, यही जवान, यही सैनिक। एक लड्डू खिलाने से कैमरे पे सम्मान नहीं होता है सैनिक का, अपना हक मांग रहा है, हक दो उनको। तो यही, ये एक बार कैमरा पर्सन दिखाएंगे, उधर सैनिकों का धरना चल रहा है, लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुका है और अभी तक उन्हीं के बारे में ये बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब यहां का युवा और यहां की बेटी और यहां का हर बाप और माँ जागरूक हो चुका है। हम राम को भी रखना चाहते हैं, हम बजरंग बली को भी रखना चाहते हैं, यहाँ अल्लाह को नहीं रखना चाहते। सुनिए, बिल्कुल, यहाँ पर नानक भी रहेंगे, यहाँ पर अल्लाह भी रहेंगे, यहाँ हर इंसान रहेगा, यहाँ पर मेहताब भी रहेगा, यहाँ पर कुलदीप भी रहेगा, यहाँ पर सब रहेंगे। ये देश है मेरा हिंदुस्तान, ये संविधान से चलेगा, आपके विचारधारा से नहीं चलेगा। लेकिन अभी संविधान की बात कही है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, DU से संविधान, मतलब यानी बाबा साहब के बारे में पढ़ने वाली जो थोड़ी सी पन्ने थे, विषय था, उसको हटा दिया जा रहा। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ
काश आप बाबा साहब को समझ लेते और उनके संविधान को, तो ये हरकत ना करते। और जिसने बाबा साहब और संविधान को समझ लिया उसने पूरी दुनिया समझ ली। तो चलिए, आपने सुना, इन्होंने हमारे साथ हिंदुस्तानी जी थे, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और हैं भी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है बेटियों को लेके। पहले मैं नहीं हूँ, मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि मैं इस मिट्टी से हूँ। एक मुझे इसमें ही मिलना है, मुझे इस वजह से अपने वतन से प्यार है, कोई जुदा नहीं कर सकता मुझे हिंदुस्तान से। मुझे फख्र है कि मैं एक मुसलमान के नाते एक हिंदुस्तानी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं सरकार को लेके और वोट की चोट को लेके, बेटियों को लेके, और तमाम सवाल सरकार की ओर, सरकार को घेरने का काम कर रही है सरकार, जो है एक बार फिर से कटघरे में है, वो न्याय नहीं कर पा रही है बेटियों के साथ। जबकि दूसरी एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बेटियों की ये हाल है। कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों ने राजनीति की, ये लोग गलत है। गलत सही की जो है वो तो जांच ही जांच बताएगा, लेकिन जो मुद्दा है कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं दर्ज हुई हैं, एफआईआर हुआ है। तो सही गलत तो बाद में होगा, लेकिन एफआईआर जो है उसके लिए काम होना चाहिए। आपकी इस पूरी खबर पे